बरेली के विकास खंड विथरी जैनपुर ब्लॉक में कार्यरत NRLM की महिलाओं ने प्रभारी एकरा मैडम की शिकायत मुख्य विकास अधिकारी से की है। उन्होंने कहा कि एकरा मैडम अपमानित करती हैं और बार बार नौकरी से निकाल देने की धमकी देती हैं। जब हम लोग BMM के ऑफिस में जाते हैं वहाँ अपमानित किया जाता है, जिससे वो कार्य करने में अपने आप को बड़ा असहज महसूस कर रही हैं। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी से मैडम के व्यवहार को ठीक करवाने की अपील की, जिससे वो अपना काम कर सकें। सभी ने मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय में शिकायत की। मेरा नाम मंजू। सर, हमारी यही मांगे हैं, जो हमारा बकाया भुगतान है 6-6 और 7-7 महीनों का हो गया, हम सभी बहनों का, और हम लगातार ज्ञापन दे रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यही बोल रहे हैं कि कल पड़ जाएगा, परसों पड़ जाएगा। हमने फ़ोन पे भी सीमा सर से बात की तो उन्होंने बोला कि हमने जो कमिटेड पैसा है सारा 20-20 लाख PSEO पे भेज दिया, लेकिन जब हमने अपने MOIC सर से पूछा सभी ब्लॉकों में तो वो ये बोल रहे हैं नहीं आया है। उसी की आज हमने बात सीमा सर से की तो उन्होंने आज हमें एक आदेश जारी किया है और वो जो गाइडलाइन है कमिटेड पैसे की वो भी दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमने सारा पैसा ब्लॉकों को भेज दिया और जो अप्रैल का इधर पैसा है उन्होंने कहा है कि 7 दिन में हम लोग डाल देंगे। अब हम ये सिर्फ 7 ही दिन देखेंगे, उसके बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, क्योंकि हमारी सभी बहनें इतना परेशान हैं कि शाम को मैसेज सुबह ही फील्ड में निकल जाती हैं, कहाँ से पेट्रोल लाएँ, कहाँ से बच्चों को देखें, क्या करें। हम सब लोग भुखमरी के कगार पे हैं, आज एक एक पैसे के मोहताज हो गए हैं, पर ये लोग बैठ के आराम से ये कह रहे हैं सिस्टम ठीक नहीं है, कहीं पोर्टल पे नहीं चढ़ रहा है, ये यही बहाना दे दे के हम लोगों को टाल रहे हैं, बार बार टाल रहे हैं। तो आज यही बात निष्कर्ष निकला है कि सिर्फ 7 दिन का बोल रहे हैं सीमा सर, सिर्फ 7 दिन का हम लोगों को समय दे दीजिए, उसके बाद हम आगे से धरना प्रदर्शन के लिए सब लोग तैयार। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।